रेंज एंग्जाइटी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदते वक्त काफी लोगों के दिमाग में ये चीज रहती है कि रेंज एंग्जाइटी हमें फील होगी। तो आप देख रहे हैं ECG05, मैं हूं फरजान। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस नई वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं AZ450X और रेंज एंग्जाइटी के बारे में। AZ450X का रिव्यू ऑलरेडी हमारे चैनल पर लाइव है, तो आप चेक कर सकते हैं आई बटन पर क्लिक करके। और इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे रेंज और इसके स्पेक्स के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी रेंज के बारे में। तो इसकी जो आइडियल रेंज है IDC कंडीशंस के हिसाब से, इट इज 116 किलोमीटर। लेकिन एथर क्लियर बताता है कि इसकी ट्रू रेंज है 80 to 90 किलोमीटर। तो जो मैंने फील किया है दोस्तों, इको मोड पे यू कैन गेट अराउंड 80 to 90 किलोमीटर, और उसके अलावा दोस्तों स्पोर्ट्स मोड पे आपकी किलोमीटर्स रेंज 70 हो जाती है, और वॉक मोड पे अराउंड 50। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। और दोस्तों द थिंग विच आई फेस्ड विद द एथर इज कि आप इसको हमेशा एक प्राइमरी स्कूटर की तरह, प्राइमरी व्हीकल इन द हाउस की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। इन एमरजेंसी सिचुएशंस ये आपको धोखा दे सकती है। नॉट ओनली एथर, कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको ज़रूर धोखा दे सकती है। जैसे कि कल रात को हमें कहीं जाना था और चार्जिंग बहुत कम थी, एंड वी वर वरीड कि ये वहाँ जाकर वापस आ पाएगी या नहीं। लेकिन टू द एक्सपेक्टेशंस, इसमें बता रही थी चार्जिंग 40 और हम लोग ने 37 किलोमीटर ट्रैवल किया, उसके बाद 3 किलोमीटर बच गए थे एंड वी वर बैक होम। एंड अदर देन दैट दोस्तों, इतने दिन से जब मैं चला रहा हूँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मतलब ये जनवरी पूरा महीना इलेक्ट्रिक ही रहा है, तो काफ़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलाने के बाद ये चीज़ मैंने ज़रूर नोटिस की है कि आप जब इसके यूज टू हो जाएंगे, जब आप इस गाड़ी को चलाने लगेंगे, कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, तो दोस्तों आप बिल्कुल भी रेंज एंग्जाइटी फील नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपके एक डेली रूटीन में आ जाता है कि गाड़ी को चार्ज करना है, गाड़ी को लेकर जाना है, एंड व्हेन यू गेट यूज्ड टू इट यू डोंट फील द रेंज एंग्जाइटी। और काफ़ी एथर कस्टमर्स के साथ मेरी बात हुई है, सो यू कैन डायरेक्टली सी कि उन्होंने क्या जवाब दिया। सर, आप क्या कहना चाहेंगे एथर की रेंज के बारे में? एथर इज द बेस्ट। ओके, सो आपको इनफ रेंज मिल जा रही है आप सिटी में ट्रैवल करने के लिए? हाँ। क्या आप बिल्कुल खुश हैं रेंज के लिए? थोड़ा आउटस्कर्ट्स में जो है नहीं है चार्जिंग रेट्स आर नॉट हियर। ओके, उसके अलावा सिटी के लिए सही? सिटी के लिए द बेस्ट, और ज़्यादा ग्रिड्स रहने से नाइट टाइम में फायदा होगा। ओके, नहीं ऐसा झटके सर, वो रूट में जाने से एक भी ग्रिड नहीं है। ओके ओके, हाईवे पे नहीं है। ओके, वो बेल्ट पे। ओके, तो आप यूजुअली घर पे चार्ज करते हैं? हाँ, यूजुअली तो घर पे चार्ज करने पे आपको मतलब कितना टाइम लग रहा फुल चार्ज करने? थ्री एंड हाफ। ओके सर, योर गुड नेम? आर चंद्रशेखर, राघवन चंद्रशेखर। थैंक यू सर। About the AZ450X, ये प्रोड्यूस करती है 26 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। इन वॉक मोड दोस्तों, पूरा 26 न्यूटन मीटर्स टॉर्क आपके हाथ पे आ जाता है 0 RPM पे, एंड दैट इज एनॉर्मस दोस्तों, बहुत ही बढ़िया इसका जो है पुल रहता है। एंड वन मोर थिंग विच आई लाइक टू हाईलाइट इज कि आप इको मोड पे पूरा दिन चला सकते हैं, पूरी सिटी में आप इको मोड पे हमेशा चला सकते हैं। इट हैज़ गुड अमाउंट ऑफ टॉर्क, अच्छे से आपको स्पीड मिल जाएगी। 50 किलोमीटर पर आवर इज व्हाट वी एक्सीड इन द सिटी, मैक्सिमम इतना ही जाते हैं काफ़ी लोग तो सिटी के अंदर। सो फॉर अ स्कूटर इट्स नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम, एंड इफ यू वॉन्ट अ बिट मोर स्पीड, 65 टॉप स्पीड यू कैन गेट इन द राइड मोड, द रेंज डिक्रीजेस अराउंड 10 किलोमीटर एंड इट इज ऑल्सो इनफ। तो दोस्तों ये है मेरा फाइनल ओपिनियन। सो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाय मत करिए, बिल्कुल करिए, आपके पैसे बचेंगे, एनवायरनमेंट बचेगा, एवरीथिंग इज देयर। लेकिन रिमोट प्लेसेस पे दोस्तों चार्जिंग स्टेशंस नहीं है, कई जगह चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है भी डेवलप हो रहा है। इन अ सिटी लाइक हैदराबाद एवरी 4 to 5 किलोमीटर यू हैव अ चार्जिंग स्टेशन। एथर के भी काफ़ी सारे ग्रिड्स हैं, कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल आप उठा लीजिए। तो यू कैन लिव विद इलेक्ट्रिक व्हीकल ओवर हियर और एनी मेट्रो सिटी, बट यू नीड टू मेक श्योर कि ये आपका एक प्राइमरी व्हीकल ना हो, आपके गैरेज में ये एक सेकेंडरी व्हीकल की तरह यूज हो, क्योंकि एमरजेंसीज में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सो दैट्स अबाउट इट दोस्तों, रेंज एंग्जाइटी की यही बात थी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीट बेल्ट पहनिए, हेलमेट पहनिए, सवारी की दुआ पढ़िए, अल्लाह।